जय बाबा केदार। केदारनाथ जिसे बने हुए 1000 साल से भी अधिक का समय हो गया है, उसके लिए 10 साल का समय बहुत ही कम है, लेकिन फिर भी पिछले 10 सालों में यहाँ बहुत कुछ बदल गया। इस दौरान यहाँ जैसा हुआ वैसा उससे पहले कभी नहीं हुआ था। इसकी मुख्य वजह रही 2013 में आई आपदा, जिसने पूरी केदार नगरी को बदल कर रख दिया। केदारनाथ जाने का रास्ता बदल गया, रामबाड़ा जैसी जगह नक्शे से ही गायब हो गई और भी बहुत कुछ। फोटो और वीडियो के माध्यम से आज इस बड़े बदलाव को समझने की कोशिश करेंगे। आइए शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं मन्नू की मोटर। चैनल को करें सब्सक्राइब, सबसे पहले वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक यू। ये वर्ष 2020 की तस्वीर है। अगर आप आज केदारनाथ जाते हैं तो आपको मंदिर के ठीक सामने इस तरह से खुला चौड़ा रास्ता दिखाई देगा, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। ये देखिए 2010 की स्थिति। बेहद संकरी गली से होते हुए ही आप केदारनाथ मंदिर में प्रवेश कर सकते थे। दोनों तरफ दुकानें थी और होटल भी, लेकिन 2013 की आपदा ने सब कुछ बदल कर रख दिया। साल 2013, तारीख थी 16 जून और 17 जून। उस दौरान पूरे उत्तराखंड में काफ़ी तेज बारिश हो रही थी और केदारनाथ में भी स्थितियां लगातार खराब हो रही थी। केदारनाथ मंदिर के बगल से बहने वाली मंदाकिनी नदी का बहाव काफ़ी तेज हो चुका था और 16 जून की रात को ये बहाव इतना तेज हो गया कि काफ़ी कुछ बहाकर ले गया। इसमें मंदाकिनी पर बने 2 पुल बह गए और शंकराचार्य जी की 8वीं शताब्दी में बनी समाधि भी। कई लोग पानी के तेज बहाव में बह गए। देर रात तक नदी का बहाव कुछ कम हुआ, लेकिन 17 जून की सुबह लगभग 7 बजे केदारनाथ में कयामत आ गई। पानी के तेज बहाव से कई होटल धर्मशालाएं बह गए और हजारों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। माना जाता है कि चौराबाड़ी झील यानी कि गांधी सरोवर के टूटने और बादल फटने से ये आपदा आई थी। इस आपदा ने केदार नगरी का नक्शा ही बदल कर रख दिया। ये देखिए, ये है वर्ष 2010 की तस्वीर। ठीक सामने आप मंदाकिनी नदी को बहते हुए देख सकते हैं। ये केदारनाथ के बगल से बहते हुए आगे बढ़ती है। ये पीले घेरे में है केदारनाथ का मुख्य मंदिर। इसके ठीक पीछे देखिए, आपको कई होटल व धर्मशालाएं दिख जाएंगी। इस पूरे हिस्से में कई यात्री निवास किया करते थे। और अब देखिए, ये है आजकल की तस्वीर। यहाँ पर है केदारनाथ का मुख्य मंदिर और अब इसके पीछे के इलाके को देखिए। यहाँ आपको कोई भी मकान नहीं दिखाई देगा। सभी होटल धर्मशालाएं आपदा की भेंट चढ़ गई। धीरे धीरे पूरे केदारनाथ का पुनर्निर्माण करने का कार्य शुरू हो चुका है। भविष्य में किसी आपदा को रोकने के लिए एक बड़ी सुरक्षा दीवार भी केदार नगरी के चारों ओर बनाई जा रही है। वर्ष 2010 की फोटो में दिख रही ये बसावट अब सिर्फ यादों में ही शेष है। केदारनाथ जाते समय एक बड़ा पड़ाव आता था, रामबाड़ा। कई लोग गौरीकुंड से अपनी पैदल यात्रा शुरू कर रामबाड़ा में रुकते थे और अगले दिन केदारनाथ के लिए रवाना होते थे। इसी तरह केदारनाथ दर्शन करने के बाद भी कई लोग वापसी के समय रामबाड़ा में रात को रुकते थे। 2010 की इस तस्वीर को देखिए, आपको रामबाड़ा में कई मकान दिख जाएंगे। कुछ कच्ची झोपड़ी नुमा रुकने की जगह थी तो पक्के मकानों की संख्या भी कुछ कम नहीं थी। रामबाड़ा के ठीक बगल से बहती थी मंदाकिनी नदी। मंदाकिनी के शोर के बीच यहाँ रुकने का आनंद ही अलग था, लेकिन यही मंदाकिनी जून 2013 में रामबाड़ा में रुके श्रद्धालुओं की मौत की वजह बन गई। भीषण बाढ़ में रामबाड़ा का नामो निशान तक नहीं रहा। ये जो उजाड़ जगह आप देख रहे हैं, यहीं पहले हुआ करता था रामबाड़ा। आपदा में यहाँ का सब कुछ बह गया, कुछ भी नहीं बचा। इस जगह को देखकर आप अंदाज भी नहीं लगा सकते कि कभी यहाँ कितनी चहल पहल हुआ करती थी और सैकड़ों यात्री यहाँ रुका करते थे।
रामबाड़ा को देख चुके कई यात्री जब दोबारा यहाँ से गुजरते हैं तो उनकी आंखें भर आती हैं। अगर आप आज केदारनाथ जाएंगे तो आपको केदारनाथ मंदिर के ठीक पीछे दर्शन होंगे भीमशिला के। ये वही भीमशिला है जिसके बारे में माना जाता है कि इसकी वजह से ही 2013 की आपदा में केदारनाथ मंदिर सुरक्षित रहा। 2010 की इस तस्वीर को देखिए, केदारनाथ मंदिर के पीछे कोई चट्टान आदि नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन जब 2013 की आपदा के समय मंदाकिनी का तेज बहाव केदारनाथ में सब कुछ बहा ले जाने को तैयार था तो तभी ये एक विशाल शिला बहते हुए आई और केदारनाथ मंदिर के ठीक पीछे रुक गई। इसका असर ये हुआ कि मंदाकिनी का प्रवाह केदारनाथ मंदिर से बहुत तेजी से नहीं टकरा सका। शिला ने नदी के जल को दो हिस्सों में बांट दिया और मंदिर पूरी तरह से सुरक्षित रहा। यदि ये शिला यहाँ पर नहीं आती तो मंदिर को भी नुकसान हो सकता था। इस शिला ने न सिर्फ मंदिर की रक्षा की बल्कि कई लोगों के प्राण भी बचाए, क्योंकि जब मंदाकिनी काफ़ी तेज बहाव से बहते हुए सामने आने वाली हर रुकावट को बहा कर ले जा रही थी तो उस समय कई लोगों ने मंदिर में शरण ली हुई थी। मंदिर में शरण लेने वाले कई लोग इसी शिला की वजह से अपनी जान बचा सके। इसी शिला को बाद में नाम दिया गया भीमशिला। केदारनाथ जाने के लिए सड़क मार्ग का अंतिम स्टेशन है गौरीकुंड। गौरीकुंड से आगे की यात्रा पैदल ही करनी पड़ती है। पहले तक यानी 2013 से पहले पूरे रास्ते के दौरान मंदाकिनी आपके दाएं तरफ बहती रहती थी। केदारनगरी पहुंचने पर आता था मंदाकिनी नदी का पुल जिसे पार कर आप केदारनाथ पहुंचते थे। लेकिन आपदा की वजह से इस रास्ते में बड़ा बदलाव करना पड़ा, क्योंकि पुराने रास्ते का एक बड़ा हिस्सा आपदा में नष्ट हो गया था। अब जब आप गौरीकुंड से आगे बढ़ेंगे तो कुछ दूर तक मंदाकिनी आपके दाएं तरफ बहती रहेंगी, लेकिन आधे रास्ते के बाद आपको मिलेगा मंदाकिनी नदी का पुल। इस पुल को पार कर आप मंदाकिनी नदी के दूसरी तरफ पहुंच जाएंगे। ये आपदा के बाद बनाया हुआ रास्ता है। इस रास्ते से होते हुए अब आप खड़ी चढ़ाई चढ़कर केदारनाथ पहुंचेंगे। ये देखिए, जिस रास्ते पर अभी आवाजाही हो रही है, यात्री आ रहे हैं जा रहे हैं, ये नया रास्ता है। ठीक इसके सामने आप पुराना रास्ता भी देख सकते हैं जो मंदाकिनी घाटी के दूसरी तरफ बना हुआ था। अब ये रास्ता पूरी तरह से बंद है। केदारनाथ के बगल वाली पहाड़ी पर लगभग 1.5 किलोमीटर दूर है भैरव मंदिर। काफ़ी ऊंचाई पर होने की वजह से 2013 की आपदा में इसे कोई नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन पिछले 10 सालों में यहाँ भी थोड़ा बहुत बदलाव आया है। ये है 2010 की तस्वीर। इसमें आप देख सकते हैं कि मंदिर में किसी तरह की रेलिंग नहीं है, कोई टिन शेड आदि नहीं बना है, लेकिन अब आपको वहाँ रेलिंग भी मिल जाएगी और टिन शेड भी। दोनों तस्वीरों को देखकर अंतर महसूस कीजिए। भैरव मंदिर से केदारनगरी का पूरा दृश्य बेहद शानदार दिखता है। पहले आप देखिए 2010 का केदारनाथ। और अब आज की तस्वीर। समय के साथ साथ किसी भी स्थान में परिवर्तन होना स्वाभाविक है, लेकिन केदारनाथ में 2013 की आपदा से इतना अधिक परिवर्तन आ गया
कि हमें बहुत कुछ सोचने समझने पर मजबूर होना पड़ा है। हमें सोचना पड़ेगा कि पर्यावरण के नज़रिए से काफ़ी संवेदनशील इन इलाकों में मानवीय हस्तक्षेप कितना होना चाहिए, उसकी कोई सीमा तय करनी होगी, नहीं तो फिर किसी दिन प्रकृति अपने हिसाब से सब संतुलित कर देगी। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में बताइएगा, साथियों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। जल्द ही मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। जय बाबा केदार।